हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से कांस्टेबल पोस्ट एंड एसआई पोस्ट का फाइनली 4660 पोस्ट आ चुका है। वो भी आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना होता है। गाइस इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो आप लोग को कैसे आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म फिलअप करना होता है, तो सारी जानकारी मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। गाइस सिलेबस क्या क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। गाइस वीडियो बने रहना, गाइस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो हमेशा देने को भी मिलता रहेगा, पूछता रहेगा, और चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना। तो चलो गाइस वीडियो बिना देर करके चलो आगे बढ़ते, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली चीज तो यहां पर आप देख सकते हो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, शॉर्ट फॉर्म में आरपीएफ कहा जाता है। यहां पर पोस्ट नेम आप लोगों को देने को मिलेगा, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट एंड सब इंस्पेक्टर एसआई पोस्ट देने को मिलेगा। इसमें टोटल कांस्टेबल पोस्ट एंड सब इंस्पेक्टर का 4660 पोस्ट देने को मिलेगा, और इसमें डिवाइड कर दिया कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। इसमें ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म फिलअप करना होगा, वो भी आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, आप लोगों को पता है दोस्तों आरपीएफ। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया, मतलब किसी भी राज्य से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो गाइस इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका लास्ट डेट ऑफ पेमेंट यहां पर देख सकते हो 14 मई 2024 तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है। बात आती कब से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है गाइस। गाइस यहां पर बात करें तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर देख सकते हो कांस्टेबल पोस्ट के लिए 4208 वैकेंसी देने को मिलेगा, और एसआई पोस्ट के लिए तो 454 पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया में। टोटल मिलाकर आप लोग को 4660 वैकेंसी देने को मिलेगा। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट की बात करते गाइस आप देख सकते हो 15 अप्रैल 2024 से ऑनलाइन अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट यहाँ पर 14 मई तक चलने वाला है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट भी है 14 मई, और इसका डेट ऑफ करेक्शन होने वाला है 15 to 24 मई 2024 में ये करेक्शन होने वाला है। गाइस ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंटर फॉर्म था, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पार्ट बना के रखा गया, वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर वीडियो देख लेना। वीडियो देने के बाद आप खुद ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बात आती है गाइस एप्लीकेशन फीस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर कैटेगरी वाइज से डिवाइड कर दिया गाइस, जो फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू उसके लिए आप लोग को 500 रुपीज पेमेंट करना होगा गाइस। अगर एससी एसटी ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज पेमेंट करना होता है। और लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लेना कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 400 आप लोग को देने को मिलेगा, अगर एस सी एस टी फीमेल ऑल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आप लोग को 2250 रुपीज सेल भी रिफंडेड इन ड्यू कोर्स ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एस एप्लीकेबल ऑन अपियरिंग इन सीबीटी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड है, मतलब भी आप लोग को रिफंडेड है, आप लोग को रिफंड कर दिया जाएगा। जनरल ओबीसी के लिए आप लोग को 4500 टोटल पे होगा, लेकिन 400 आप लोग को पेमेंट रिफंड होगा, और अगर एस सी एस टी और फीमेल कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी के लिए आप लोग फुल आप लोग को 250 रुपीज आप लोग को रिफंड दिया जाएगा। गाइस एज लिमिट की बात करोगे यहाँ पर फॉर कांस्टेबल पोस्ट के लिए आप लोग को 18 to 28 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो, सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आप लोग को 20 से लेकर आप लोग को 28 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसका साथ साथ आप लोग को गवर्नमेंट के रूल्स हिसाब से एज रिलेक्शन मिलेगा। एस सी एस टी के लिए आप लोग को 5 ईयर्स एज रिलेक्शन मिलेगा, ओबीसी के लिए तो आप लोग को 3 ईयर्स एज रिलेक्शन मिलेगा, और एक्स सर्विसमैन के लिए आप लोग को 3 ईयर्स एज रिलेक्शन मिलेगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के रूल्स हिसाब से देने को मिलेगा। बात आती है गाइस आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। गाइस क्वालिफिकेशन की बात करते हो गाइस कांस्टेबल पोस्ट के लिए सिंपल क्लास 10 पास होने से भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। बात आती है गाइस सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हो गाइस, यहां पर पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बाद पीएटी मतलब फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल वेरिफिकेशन होगा गाइस। बात आती है गाइस सैलरी, बात करते गए सैलरी की बात करते हो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए आप लोग को 21,700 से लेकर आप लोग को स्टार लेवल 3 तक पे स्केल देने को मिलेगा। सब इंस्पेक्टर के लिए आपको 35,400 से स्टार्ट होगा, और पे स्केल तो इसमें कोई नहीं दिया गया है। पार्ट आते हैं एग्जाम पैटर्न क्या क्या होने वाले, सिलेबस ये इंपॉर्टेंट चीज है। सिलेबस यहाँ पर देख सकते हो नेगेटिव मार्क, पहले आप लोग को एक चीज याद रख लेना, नेगेटिव मार्क यहाँ पर देने को मिलेगा 0.25 नेगेटिव मार्क होगा। टाइम ड्यूरेशन टोटल आप लोग को 90 मिनट होगा। आप लोग को यहाँ पर आप लोग को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देख सकते हो सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस के लिए आप लोग को 50 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क मिलेगा, उसका मतलब एक क्वेश्चन करोगे तो 1 मार्क आप लोग को मिलने वाला है। और एरिथमेटिक्स मैथ्स के लिए आप लोग को 35 क्वेश्चन आएगा, 35 मार्क मिलेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए आप लोग को 35 क्वेश्चन आएगा, 35 मार्क मिलेगा। टोटल आप लोग को 120 क्वेश्चन आएगा, 120 मार्क मिलेगा, मतलब आप लोग को 90 मिनट आप लोग को टाइम दिया जाएगा। गाइस मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, अगर आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अगर प्रिपेरेशन कर रहे तो गाइस बुक स्पेशल बुक में लेके आया हूं गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्ट परचेस कर लेना। अमेज़न से परचेस करने के बाद आप सेल्फ प्रिपरेशन आप कर सकते हो भारी आसानी से गाइस, आप जरूर बुक परचेस कर लेना। बात आते हैं गाइस यहां पर फिजिकल टेस्ट की बात करो गाइस, यहां पर देख सकते हो यहां पर हाइट,
चेस्ट आप लोगों को क्या क्या होना, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को याद रखना गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं यू आर ओबीसी रेबियस के लिए मेल के लिए आप लोगों को 165 है, फीमेल के लिए आप लोगों को 157 है, और चेस्ट के लिए मेल के लिए सिर्फ फीमेल के लिए सिर्फ चेस्ट नहीं है, सिर्फ आप लोगों को मेल के लिए चेस्ट, मेल नॉर्मल एक्सपेंशन करके आप लोग को 85 एक्सपेंशन करना है। अगर एस सी एस टी में बिलोंग करते हो गाइस 160 है मेल के लिए और फीमेल के लिए 152 है, और नॉर्मल में चेस्ट में 76.2 है, और एक्सपेंशन करके आप लोग को 81.2 करना होता है, मतलब 5 एक्सपेंशन आप लोग को करना ये मैंडेटरी है। अगर यह इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो गाइस, फॉर गढ़कावालीस गारकास मराठीज दुर्गास कमलास इस कैटेगरीज में अगर बिलोंग करते हो गाइस, मेल के लिए गाइस देख सकते हो 163, फीमेल के लिए 155, एंड नॉर्मल चेस्ट में 80 एक्सपेंशन कर ले 85 ही आप लोग को। और गाइस यहाँ पर रनिंग के बात करते हो पीटी पीएसटी ये इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। कांस्टेबल मेल के लिए आप लोग को यहाँ पर देख सकते हो 1600 मीटर आप लोग को रनिंग करना होगा, 1600 मीटर मेल के लिए कांस्टेबल पोस्ट के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना होता है, और इसमें तो आप लोग को 800 मीटर नहीं है। और मेल के लिए कांस्टेबल मेल के लिए आप लोग को लॉन्ग जम्प है 14 फीट है, और हाई जम्प है 4 फीट आप लोग को करना होता है। और कांस्टेबल फीमेल की बात करते हो गाइस 800 मीटर आप लोग को रनिंग होगा गाइस, वो भी आप लोग को 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करना होगा, और लॉन्ग जम्प के बात का तो 9 फीट है, और हाई जम्प के बात का तो 3 फीट है। और एसआई सब इंस्पेक्टर मेल के लिए आप लोग को रनिंग होगा गाइस 1600 मीटर होगा, वो भी 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना होगा, और लॉन्ग जम्प के बात का तो गाइस आप लोग को 12 फीट आप लोग को होना होगा लॉन्ग जम्प, और हाई जम्प के बात का 3.9 इंच आप लोग को हाई जम्प करना होता है। सब इंस्पेक्टर फीमेल के बात का तो गाइस आप लोग को रनिंग होगा गाइस 1600 मीटर आप लोग को 4 मिनट में आप लोग को कंप्लीट करना होगा 800 मीटर है, और लॉन्ग जम्प के बात का तो गाइस आप लोग को 9 फीट करना होता है गाइस, और हाई जम्प के बात का गाइस आप लोग को 3 फीट आप लोग को करना होता है। ये है आप लोग का सिलेबस, फुली का सिलेबस होने वाला है गाइस। सो गाइस ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते तो गाइस ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेना, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप लोग को 2 ऑफिशियल नोटिफिकेशन देने को मिलेगा, मतलब एक है कांस्टेबल ऑफिशियल देने को मिलेगा, एक है आप लोग को सब इंस्पेक्टर का ऑफिशियल देने को मिलेगा। तो जो भी है आप जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, जो कांस्टेबल के लिए भी अवेलेबल है और एसआई पोस्ट के लिए भी अवेलेबल है, आप लोग को जरूर डाउनलोड कर लेना। सो गाइस आई होप आप लोग को समझ में आ गया, अगर वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो हमेशा देने को भी मिलते रहेगा, पूछते रहेगा, चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। तो चलो गाइस यहाँ पर वीडियो एंड कर लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं जब एडमिट कार्ड भी निकलेगा। अप्लाई कैसे करना है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैंने ऑलरेडी बताया गया, आप जरूर वीडियो देख लेना, वीडियो देने के बाद आप खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं गाइस।